आजकल हम सभी पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और इसी का फायदा उठा लेते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में जो भी हम काम करते हैं ना, इन्हीं से साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमर्स अपनी तरकीबें निकालते हैं। बिल्कुल, आजकल इंडिया पोस्ट के नाम से आप सभी को कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई मेल आता है या फिर कोई कॉल आता है, तो जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपका कोई पार्सल जो है वो डिलीवर करना है और डिलीवरी के लिए एड्रेस की पुष्टि करनी होगी। जी हाँ दर्शकों, और मैसेज के साथ आपको एक लिंक भी आता है जिसमें आपसे 48 घंटे के अंदर एड्रेस अपडेट करने के लिए डिटेल्स मांगी जाती हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज या कोई कॉल आता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप शिकार हो सकते हैं इंडिया पोस्ट फ्रॉड स्कैम के। तो क्या है ये स्कैम, चलिए जानते हैं हमारे सेगमेंट साइबर लेंस में। आज के डिजिटल युग में जहां एक ओर इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है, वहीं दूसरी ओर यह धोखाधड़ी और साइबर अपराध का एक बड़ा मंच भी बन गया है। हर दिन नए नए साइबर स्कैम और साइबर धोखाधड़ी के मामले सुर्खियां बन रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स आजकल इंडिया पोस्ट के नाम पर लोगों को फर्जी SMS भेज रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका पैकेज वेयरहाउस में आ चुका है और हमने दो बार डिलीवरी करने की कोशिश की, लेकिन इनकम्प्लीट एड्रेस होने की वजह से हम डिलीवर नहीं कर पाए। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके अपना एड्रेस 48 घंटे के भीतर अपडेट कर दें ताकि हम आपको डिलीवरी दे सकें। और नीचे लिखा होता है इंडिया पोस्ट। आप जान लीजिए कि ये पूरी तरह से फर्जी मैसेज है। इंडिया पोस्ट इस प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं भेजता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है, वैसे ही एक फर्जी वेबसाइट ओपन होती है जिस पर इंडिया पोस्ट का लोगो भी लगा होता है और साथ में भारत सरकार का सिंबल भी बना होता है और ट्रैकिंग ID भी दी होती है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और उसमें वही सारी इंफॉर्मेशन दी होती है जो आपके SMS में दी होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता है, एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है जिसमें नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID पूछी जाती है। ये सब फिल करने के बाद अपडेट इमीडिएटली बटन पर जैसे ही कोई क्लिक करता है, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है और क्लिक करने के जस्ट बाद एक पेज ओपन होता है जो कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट होती है, वो भी ओरिजिनल वेबसाइट, इंडिया पोस्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है indiapost.gov.in, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये मैसेज इंडिया पोस्ट से ही आया है, जबकि ऐसा नहीं है। साइबर अपराधी नए नए तरीकों का उपयोग करके लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर अपराधी कभी डरा के, कभी लालच देकर, कभी हमारी मेहनत की कमाई को अपनी धोखाधड़ी के जाल में फंसा के उड़न छू हो ले रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे ली गई लेकिन हमारे साथ तो कोई फ्रॉड हुआ नहीं, तो आप जान लीजिए कि फ्रॉडस्टर इन सब इन्फॉर्मेशन का यूज करके बाद में आपको कॉल करते हैं और जब आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बताते हैं तो आपको ट्रस्ट हो जाता है कि ये तो बिल्कुल सही बता रहा है, और जो भी डिमांड करता है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है या OTP पूछता है तो आप उसको बता देते हैं, और इस प्रकार आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, यानी आपके बैंक के खाते से पैसा निकल जाता है। अगर आपने इस लिंक पर क्लिक किया है तो इस वेबसाइट, चूंकि ये मलेशियस वेबसाइट है, तो मालवेयर भी इंस्टॉल हो सकते हैं, और अगर मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपके मोबाइल की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, SMS, OTP इत्यादि, ये फ्रॉडस्टर को शेयर होती रहेगी। आप जानते हैं कि आधार का नंबर अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपका पूरा नाम होना चाहिए, साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए और OTP होनी चाहिए। तो अगर आपका नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और OTP कंप्रोमाइज हो गया तो फ्रॉडस्टर आपका आधार नंबर पता कर सकते हैं। इस प्रकार के फ्रॉड से कैसे बचें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी APK फाइल को इंस्टॉल ना करें, किसी को भी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP इत्यादि शेयर ना करें, अपनी पर्सनल
डिटेल भी किसी को शेयर ना करें, जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी को भी शेयर ना करें। अब अगर फ्रॉड हो जाता है तो कैसे रिपोर्ट करना चाहिए? फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करना है, जो कि 1930 है, या फिर आप cybercrime.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करें, ताकि आपका अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ब्लॉक हो सके। साइबर अपराधियों के निशाने पर अक्सर वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते समय सतर्क नहीं रहते। साइबर स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले हमें सजग रहना होगा। साइबर अपराधी को कोई भी जवाब देने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। याद रखें, आपका सतर्क रहना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।